रुकिए दोस्तों, ये देखिए, बस मेरे को ब्लॉग लिखना है और मुझे कितने मिलेंगे? $1,000 से लेके 2,500 डॉलर्स तक। मतलब अगर मैं तकरीबन लगाऊं तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? 74,000 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख से भी ज़्यादा। वो भी किसके लिए दोस्तों? देखो, ब्लॉग राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑलरेडी कंपनीज यहाँ पे आती हैं इस वेबसाइट पे और अच्छे खासे पेमेंट देती हैं। ये देखो दोस्तों, ऑलरेडी एक US बेस्ड कंपनी $12,000 दे चुकी है अपने फ्रीलांसर्स को। क्या दोस्तों आप कर सकते हो? ये देखो, $2,500 to $500, जो कि तकरीबन 3 लाख के करीब है। क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इस वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, कैसे आपको काम मिलेगा इस वेबसाइट पे, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कैसे हमें अपनी जॉब को पोस्ट करना है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ एक फ्रीलांसिंग की ऐसी वेबसाइट जो कि जेन्युइन पेमेंट देती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, अपने फ्रीलांसर्स को, जो कि मैं बोलूँ। और देखो दोस्तों, $250 मिलियन, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों में मतलब दे चुकी है ये अपने फ्रीलांसर्स को। दोस्तों हम क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो दोस्तों क्या बात होती है ना, ये देखो, ये एक US बेस्ड कंपनी है तो पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे, अपना काम पोस्ट करते हैं और हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपनी सर्विस देनी है। देखो दोस्तों, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप हो सेल्स और मार्केटिंग वाले, बिजनेस फाइनेंस वाले, या फिर आपको राइटिंग की जॉब करनी है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे ये बोलते हैं, सर प्लीज़ हमें कुछ ऐसा बता दीजिए, बस हमें डेटा एंट्री राइटिंग करनी हो या फिर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी हो, मुझे बस ये बता दीजिए। देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी 12th के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, देखो दोस्तों कितने सारी कैटेगरीज हैं यार, ये देखो इंजीनियरिंग, ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग, राइटिंग का कितना सारा है दोस्तों। हम आपको पता है, आर्टिकल लिख के भी यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिख के, अच्छे खासे आर्टिकल लिख के यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी वेबसाइट है दोस्तों, जेन्युइन वेबसाइट है और अच्छी खासी पेमेंट आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट पे और कैसे अपने आप को ये बताना है कि हम ये सर्विस ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, देखो दोस्तों आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों आपको पहले बता दूँ कि आप ये मोबाइल फ़ोन पे भी खोल सकते हो, बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन पे भी आप काम कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन अलग है और ये वाली स्क्रीन अलग है, मोबाइल फ़ोन पे भी ऐसी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। और दोस्तों यहाँ पे मुझे अपनी डालनी है अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, और मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी दोस्तों। और मुझे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना है, एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे करना है प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, फ्रीलांसर हैं हम तो हमें फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है और अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। मैंने अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, अब मेरे को क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखो दोस्तों, अब क्या होगा, आपके मेल आईडी पे ना एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा 4 डिजिट का, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो, जैसे मेरी वेबसाइट पे आया है 7651, ठीक है, ये वेरिफिकेशन मेल आया है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 7651, ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, आपके लिए ना सिक्योरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। अब यहाँ पे स्किप दिस फॉर नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, अभी नहीं भरना। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे ना अपना पहले एड्रेस भर लेना है, ठीक है। मैं अपना जल्दी से दोस्तों एड्रेस भर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस भर लिया दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना वो भी भर लेता हूँ, जिप कोड, और मैं सही हूँ बिल्कुल। अब मैं कंटिन्यू पे बस अब क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपके समक्ष ये स्क्रीन आ गई है, मैं कुछ भी दोस्तों स्किप नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वरना आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज़ पूरा बताया करिए। देखो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। देखो, अब आपको पहले तो दोस्तों अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, सर्विस दैट आई एम अ प्रोफेशनल राइटर,
ठीक है, मैं क्या हूं यहां पे, क्या ऑफर कर रहा हूं, आई एम अ प्रोफेशनल राइटर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या डाला, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं। आप यहां पे कोई भी सर्विस देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की देना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग की देना चाहते हैं या कोई भी सर्विस देना चाहते हैं, यहां पे आप बस मेंशन कर दीजिए आई एम अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट प्रोग्रामर, ठीक है, और आई कैन डू द जॉब डेटा एंट्री जॉब ओके एट अ रीजनेबल प्राइस, ये सारी चीज़ें दे दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि कैसे मैं करूं, कैसे लिखूं अपना बायोडाटा, ठीक है, जिनको भी पता हो। देखो मैं तो बस यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छा खासा, ताकि दोस्तों आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिकल, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉन्टेंट राइटर। ठीक है, कॉन्टेंट राइटर हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है, मैंने यहां पे क्या दे दिया, मोर देन 5 years, गलत होगी स्पेलिंग, मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने यहां पे दिया, और आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है दोस्तों, एंड कैन गिव द वर्क और प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये सेटअप करने का, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपना पहले एक्सपीरियंस भी बता दिया आपने, और आपने ये भी चीज़ बता दी कि मैं जो अपना काम मेरे को जो मिलेगा वो मैं बताया राशि से दिए हुए समय में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो दोस्तों आप आर्ली रेट क्या देना चाहते हो, देखो दोस्तों मैं तो स्टार्टिंग में आपको बोलूँगा कि आप $5 ही लीजिए। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम $5, और यहाँ पे देखो मिनिमम बजट $25, तो मैं आपको बोलूँगा दोस्तों यही $25 और $5 सेलेक्ट कर दीजिए। देखो दोस्तों क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में ना सिर्फ काम चाहिए, ठीक है, अभी हमें सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए, हमें बस ये नहीं देखना चाहिए दोस्तों कि मैं $100 ले लूँ $200 ले लूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी रेटिंग नहीं आ गई। ठीक है, तो कोई भी बंदा आएगा आपको जल्दी से हायर इसलिए कर लेगा दोस्तों क्योंकि देखो दोस्तों आप सस्ते हो। ठीक है, आप उस क्लाइंट से अपने रिव्यू ज़रूर डलवा लीजिए, काम जब आप लोगे तो रिव्यू ज़रूर डलवा लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपको 5 से 4 star रेटिंग मिल जाएगी ना, फिर आप अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हो। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे दोस्तों जो $100 घंटे का लेते हैं, मतलब 7,000 रुपये घंटे का, समझ रहे हो, तो वो एकदम से नहीं होगा दोस्तों, एकदम से सिलेक्ट मत करिए। ठीक है, एकदम से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो दोस्तों आप क्या काम कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो और ट्रांसलेशन कर सकते हो, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों पब्लिश नाउ। अब देखो दोस्तों ये मेरा जो एक पोर्टफोलियो है वो सेट हो गया, ये मैं सर्विस अपनी देने वाला हूँ, ये मेरी हो गई है लाइव। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, जो जॉब ऑफर करेंगे वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं उनको इस रीजनेबल रेट पे दे दूंगा। ठीक है, एक आपका बजट भी है और आपका $5 घंटे के हिसाब से दे रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो सही है दोस्तों। ठीक है, अब आपको बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों पेमेंट्स में, तो यहाँ पे आप पेमेंट्स पे पहले क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र मनी पे आ जाइए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे मेथड हैं, आप पेपाल से भी कर सकते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट भी डाल सकते हो आप अपना, ठीक है, सीधा, और यहाँ पे बस आपको ऐड करना है और आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों, अपना अकाउंट नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और कंट्री सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपका पेपाल अकाउंट सेट हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइंड वर्क पे, ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ यहाँ पे कितना मतलब मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डालूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डालूँ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल देखो रीराइटिंग डालता हूँ, चलो आर्टिकल रीराइटिंग डालता हूँ, ये देखो दोस्तों यहाँ पे देखो राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट आपको कितने तक मिल सकते हैं, 1,000 से $2,500 तक, समझ रहे हो दोस्तों। अब मेरे को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपको आना है सेंड अ कोट पे, ठीक है,
अब देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? वेरिफिकेशन करनी है। इसके लिए दोस्तों थोड़ी बहुत चीज़ें लगेगी। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको नाम डालना है और आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद ये आपको बोलेगा दोस्तों अपनी फ़ोटो डालने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना गवर्नमेंट आईडी डालना है। आप आधार कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल सकते हो इस वेबसाइट पे। और आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ द एड्रेस डालना है, कंफर्म करना है उन्हें नाम और एड्रेस। देखो दोस्तों, ये आपका 5 से 6 दिन ले लेगा आराम से, ठीक है। अदरवाइज देखो दोस्तों, ये दो तरीके होते हैं। देखो दोस्तों, एक तो हम जॉब के लिए अप्लाई करें और एक होगा कि हमें खुद जॉब मिले, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले दोस्तों आपको अपनी वेरिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। ये बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाइए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी चीज़ें दे दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बस 4 स्टेप करने हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस यही चीज़ है दोस्तों, और बिल्कुल एक पैसा नहीं लग रहा दोस्तों, बस आपको वेरिफिकेशन करवानी होती है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो आपको अपनी वेरिफिकेशन देनी ही होती है, चाहे वो ऑनलाइन काम हो चाहे वो ऑफलाइन काम हो। आपको अपना पेमेंट प्रूफ, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन देनी ही होती है, क्योंकि दोस्तों ये भी जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है, US बेस्ड है, तो इसको भी एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए दोस्तों चाहिए होती है ये सारी चीज़ें। तो ये यही सारी चीज़ें हैं, और देखते रहा करो दोस्तों, यहाँ पे जॉब्स बहुत सारी हैं, आप अप्लाई करते रहो और अच्छे खासे आप दोस्तों पेमेंट रिसीव कर सकते हो। एम्पल हैं दोस्तों, बहुत सारी हैं, आप अनगिनत जॉब्स आप यहाँ देखोगे ना दोस्तों, अनगिनत है। कितनी कैटेगरीज हैं देखो दोस्तों, कितनी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। आप सेल्स वाली जॉब कर सकते हो, प्रोग्रामिंग की 1555 से भी ज़्यादा हैं, 575, ये देखो ना दोस्तों कितनी सारी हैं, ये देखो 91, 311, 120, वाह, मतलब इतनी सारी आपके पास पोस्ट हैं दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है इस वेबसाइट में, 5 से 6 घंटे अगर आप अगर पार्ट टाइम देते हो, या फिर मैं ये बोलूँ दोस्तों 4 घंटे भी देते हो, तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे इस वेबसाइट से, ठीक है दोस्तों। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं अपने सजेशन कि सर मेरी ये प्रोफाइल है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा कि दोस्तों आप भी कैसे अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ठीक है। अर्निंग के दोस्तों मैं ऐसे सोर्सेज लाता ही रहता हूँ, आपको भी पता है, रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो आप अपने कमेंट सजेशंस भी दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।